और इस परफॉर्मेंस में पंजाब की मिट्टी की खुशबू है क्योंकि अगले परफॉर्मेंस में है भंगड़ा डांस स्टाइल। जय, आज तो तुम ही सब कुछ बताओगे ना, तो बताओ और क्या क्या होगा इसमें? भंगड़ा के बारे में और क्या बताना है, बस ठीक है भाई, पेश है टेरेस की टोली से जैक और शक्ति। लेकिन मैं आप सबको बता दूं कि शक्ति को इस परफॉर्मेंस के लिए जज नहीं किया जाएगा, वो ऑलरेडी अमर के साथ परफॉर्म कर चुकी है, वो सिर्फ जैक का साथ निभाने के लिए ये डुएट परफॉर्म कर रही है। तो चलिए जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए टेरेस की टोली से जैक और शक्ति। Actually, हम इस बार duet में हम भांगड़ा कर रहे हैं। इसकी मॉम को तो बहुत अच्छा लगेगा देख के अपने बेटे को कि अरे मेरा बेटा भांगड़ा कर रहा है। क्योंकि मैं पंजाबी हूँ लेकिन भांगड़ा डांस करने की इजी नहीं है, और स्माइल ही करना पड़ता है, कुछ भी हो जाए दिखाना नहीं है अगर आप स्टेप रॉन्ग करोगे। मेरी तो आदत ये है अगर मैं कुछ गलत करूँगा ऐसा ऐसे कुछ हो जाता है चेहरे पर। एक तो डिफिकल्ट मूव्स भी है, मैं इसके इसके शोल्डर पे खड़े होके आपको बैलेंस भांगड़ा डिफिकल्ट यार, ऐसा हम लोग समझ जाते हैं कि सिंपल होता है शादी में डांस करना है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सभी जो पंजाब के रहने वाले हैं उनके सब के लिए ये गाना हमारी तरफ से, हैप्पी गो लकी जो बोलते हैं ना दे आर पंजाबीज एंड आई लव देम फॉर दैट, इसी स्पिरिट को सलाम। जैकी बॉय नमस्ते, ऑल द बेस्ट। Thank you.
जोरदार ताली बजाएं शक्ति और जैक के लिए। जैक और शक्ति, तुसी तो कमाल कितना सी। शक्ति कमाल ही कमतरे। क्या बात है, शक्ति कमाल है तो इसलिए परफॉर्मेंस भी कमाल है। लेकिन इस परफॉर्मेंस के लिए शक्ति को हम जज नहीं करेंगे क्योंकि शक्ति ऑलरेडी अमर के साथ परफॉर्म कर चुकी हैं। तो थैंक यू शक्ति। ओके, तो अब मास्टर से पूछते हैं कि आखिर उन्हें आपका परफॉर्मेंस कैसे लगा। और मास्टर रेमो, आप बताइए आपको जैक का परफॉर्मेंस कैसे लगा। मुझे एक्चुअली शशांक और पुनीत का जो डुएट किया था वो आ गया, क्योंकि उन्होंने भी कुछ ऐसा ट्राई किया था ऊपर खड़े होने के लिए, बट नहीं हो पाया और एग्जैक्टली सेम यहाँ पे आपके साथ हुआ। और होता है कभी कभी परफॉर्मेंस में। आपने ये पहली बार किया जी। जो परफॉर्मेंस हमने देखे हैं और जो हम करते आए हैं अब तक, उसमें काफ़ी शार्पनेस की बहुत ज़रूरत होती है। और ये जब भांगड़ा करते हैं तो जैसे कि आपने खुद ने कहा था कि जब स्माइल ऑलवेज रहता है, जो जुनून के साथ करते हैं वो कभी कभी ऐसा लगता है कि वो लोग स्टेज तोड़ देंगे, तो वहाँ पे थोड़ी कमी थी, आपको और मेहनत करनी पड़ेगी इसमें। एंड अदरवाइज आई थिंक शक्ति ने आपको बहुत अच्छा सपोर्ट किया एंड आपने खुद ने भी बहुत अच्छा किया। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू सो मच। मास्टर गीता, आपको कैसा लगा? अच्छा हुआ कि शक्ति को हम इस परफॉर्मेंस पे जज नहीं कर रहे हैं। बहुत झोल था बीच में स्टाइल खास करके, बट दैट इज समथिंग दैट नाउ इफ यू एवर अटेम्प्ट दिस अगेन आई वुड से वर्क ऑन दैट। बट जैक वेरी वेल अटेम्प्टेड आई वुड से, क्योंकि डिफ़िकल्ट है ये भांगड़ा करना। शार्पनेस ऑफकोर्स की ज़रूरत होती है, उसके साथ बहुत एनर्जी की ज़रूरत होती है। वो कूद कूद के नाचते हैं। यह मुझे लगा आप थोड़े से ग्राउंडेड थे एंड यू नो दे आर वेरी फ्लूइड व्हेन दे मूव, तो पता ही नहीं चलता है जब वो हाथ फेंक रहे होते हैं। इट्स लाइक दे डांसिंग ऑन एयर। भांगड़ा करते वक्त एक थोड़ा सा यू नो इट्स अबाउट प्राइड। मैं पंजाबी, वो पंजाबी वाली शान की बात होती है, तो वो एक थोड़ा सा लाना है। यू आर अ लिटिल शाय बॉय और कभी कभी वो आप ऐसे हो जाते हो, मीन्स हैप्पी हैप्पी दैट आई डिड द स्टेप सर, वो आ जाता है फेस पे। मेंटेन, वंस यू स्टार्ट अ कैरेक्टर उसको मेंटेन करो जी। ठीक है, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच मास्टर गीता। मास्टर टेरेंस, आपको जैक का परफॉर्मेंस कैसे लगा? मैं कहूँगा कि ऐसे स्टाइल अटेम्प्ट कर रहे हो जो आपने पहले कभी किया नहीं है और जो कभी आपने देखा भी नहीं है, और मुझे बहुत खुशी हुई कि आपने एनर्जी के साथ किया। आप अभी अभी थोड़ा थोड़ा इंडियन बनते जा रहे हो, यू नो कल्चर सभ्यता के बारे में, डांस फॉर्म्स के बारे में जान रहे हो एंड यू आर प्रोग्रेसिंग। फॉर मी आपके लिए लेवल अप था, डिफ़िकल्टी आप पार कर गए। शायद हमारा जैकू थोड़ा हम्बल पंजाबी है। छोटी सी चीज़ एक्चुअली, जब सर ने मुझे कहा कि मैंने भांगड़ा कर, तू भांगड़ा कर रहा है, तो एक्चुअली मैं बहुत खुश हो गया था, क्योंकि जब से मैं डांस शुरू करा जब मैं 16 साल का था, फिर मम्मा ने तब से मुझे बोला कि जब भी तू इंडिया जाए तो भांगड़ा क्यों नहीं सीखता। तो मैं हिप हॉप में था ऐसे ऐसे, मैं क्या मम्मा मैं भांगड़ा कैसे करूँगा। तो एक्चुअली जब मैं ये सीख रहा था तो भी मैं मम्मा मैंने आपके लिए करा और सॉरी पंजाब पगड़ी गिर गई, और मैंने बहुत कोशिश करी आपको दिखाने की मैं भी भांगड़ा कर सकता हूँ। सो बेसिकली आई होप यू लाइक्ड इट। थैंक यू सो मच। मैं भी सब जो पंजाब के रहने वाले हैं खड़े होकर माफ़ी मांगता हूँ कि उसकी पगड़ी गिर गई, सॉरी, माफ़ी मांगता हूँ। थैंक यू मास्टर्स। अब्बा, आपको कैसा लगा? मैं तो ये देख के हैरान बवरान हो गया। आपकी तारीफ के वास्ते हर अल्फाज छोटा रहेगा। सचमुच, आई डोंट नो टेक्निकली व्हाट दे आर सेइंग, लेकिन मैं यही कहूँगा आई वॉज ग्लूड टू यू। गॉड ब्लेस यू मामा, गॉड ब्लेस यू टू। थैंक यू सो मच अब्बा। ग्रैंड मास्टर, पहली बार हिप हॉप छोड़ के उसको भांगड़ा करते देखा है एंड ही गेव हिज बेस्ट। आई थिंक ही वॉज लुकिंग वेरी क्यूट। ही वॉज अच्छा, जैसे गीता जी ने कहा कि सरदार जब भांगड़ा करते सीना तान के चलते हैं, एकदम पंजाब का, लेकिन ये हमारा हम्बल सरदार है और हम्बल भांगड़ा था। ओके, हम्बल भांगड़ा नहीं होता था, कभी नहीं होता। अरे भैया, अरे भैया, कैसे नहीं होता यार, हमारा क्यों नहीं होगा ना। अब भाई, हमारे लिए हम्बल भांगड़ा जी, बहुत अच्छा किया आपने और शक्ति को बहुत अच्छा मैच भी किया तुमने। यू डूइंग वेरी वेल। थैंक यू। Thank you, Grandmaster. So thank you so much, Jack, for this lovely performance. Thank you.
अब बारी है ग्रैंड मास्टर मिथुनदा के ये बताने की कि आज लग सबसे खूबसूरत परफॉर्मेंस ऑफ द डे का खिताब किसने जीता है। वन सेकेंड। Our guest of honor to announce it. मेरे को तो वो 3D में अवतार वाला परफॉर्मेंस सबसे अच्छा लगा। क्या बात है? So congratulations अमर और शक्ति, आपको मिलता है लक्स के तरफ से ये गिफ्ट वॉच। जोरदार ताला हो जाए अमर और शक्ति के लिए। Congratulations, thank you हीरे, thank you शक्ति। दादा आप शायद भूल गए होंगे, आपकी सब डांसिंग पार्टनर्स में एक और डांसिंग पार्टनर था आपका जो आप शायद भूल गए एक फिल्म में, और वह मैं था। मैंने आपके साथ एक फिल्म में एक शॉट के लिए डांस किया है, और वो भी मतलब दादा हैज डांस विद द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल्स इन द कंट्री, और आखिरी फिल्म में मेरे साथ। सो सैड, आई एम सो सॉरी। लेकिन हमने डांस कौन सा किया था पता है? वी हैड डन द वॉल्स टुगेदर। हाँ। तो मैंने सोचा दादा शायद एम्बैरेस हो गए। बिल्कुल नहीं, वी एंजॉयड असल। फिल्म का नाम था युवराज, दैट्स इट वाज दैट फिनाले शॉट, फिनाले का शॉट था एक शॉट के लिए। एंड आई सेड सडनली मतलब कौन है मेरा डांसिंग पार्टनर, तो बोला दादा अरे ऐसे दादा भवन और अच्छा ठीक है। लेकिन हम लोग ने ऐसे वो भी पुट माय आर्म अराउंड हिम एंड वी डांस्ड। नहीं अब्बा हमें तो यकीन नहीं हुआ, हमको तो देखना पड़ेगा यकीन करने के लिए। समझ में नहीं आया दादा, ये सब प्लीज दिखाया नहीं जाता। नहीं दिखाया दादा, प्लीज दादा, समझ में नहीं आया। अब दिखाई दीजिए ना डांस आखिर। कम ऑन दादा, कम ऑन दादा 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 दादा।